सर्वधर्म समभाव के प्रतीक हजरत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्ला अलैह का 101वां सालाना उर्स गुरुवार से शुरू हो चुका है। इस अवसर पर राजे भोसले द्वारा परचम कुशाई कर उत्सव की शुरुआत की गई। इस सालाना उर्स के मौके पर बड़ा ताजबाग क्षेत्र में देश विदेशों से जायरीन जियारत करने के लिए आते हैं। गौरतलब है कि बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्ला अलैह दरगाह के तत्वावधान से सालाना उर्स पर आज से ताजबाग शरीफ में कई तरह के धार्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत की जा चुकी है, जिसके मद्देनजर बड़ी तादाद में दरगाह शरीफ पहुंच रहे जायरीनों की सहूलत के लिए 454 व्यवस्था की गई है, जहां शौचालय से लेकर बैठने की व्यवस्था तक सभी सुविधाओं का कड़ा बंदोबस्त किया गया है। परंपरागत इस तरह के धार्मिक आयोजन की सफलता की कामना शुरुआत में परचम कुशाई से की जाती है, जिसका विशेष महत्व बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्ला अलैह के भक्तों द्वारा विदित किया जाता है। आज इस उत्सव की पूर्व संध्या पर राजे भोसले द्वारा परचम कुशाई कर यह रस्म अदा की गई। इस वक्त बड़ी संख्या में हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्ला अलैह के भक्त एवं दूरदराज से बड़ी ही श्रद्धा के साथ आए जायरीन मौजूद थे, जहां या बाबा या ताज बाबा सरकार की घोषणा से ताजबाग परिसर झूम उठा। महीना भर चलने वाला यह उत्सव आशा एवं श्रद्धा का केंद्र है, क्योंकि यहां न सिर्फ भारत से बल्कि विदेशों से भी जायरीन जियारत के लिए बाबा ताजुद्दीन औलिया के दरबार में आते हैं। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।